और इस बीच बड़ी खबर कासगंज से। कासगंज डीएम पहुंचे हैं चंदन के घर। 20 लाख रुपए का चेक लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। योगी जी आकर दे चेक, ये चंदन के परिजनों ने कहा है। 20 लाख रुपए का चेक लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। तो कासगंज के डीएम वहां पर पहुंचे हैं और वहीं परिजनों ने कहा है कि योगी जी खुद आए और खुद चेक दें तो हम चेक को लेंगे, अन्यथा हम चेक को नहीं लेंगे। तो कासगंज डीएम चंदन के घर पहुंचे हैं और 20 लाख रुपए का चेक लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी जी आकर खुद चेक दें और 20 लाख रुपए का चेक लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि चंदन की मौत पर सीएम योगी ने 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, जिसको देखते हुए वहां के डीएम चंदन के घर पर पहुंचे, लेकिन परिजनों ने चेक देने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि योगी जी खुद आए और खुद अपने हाथों से चेक दें। तो 20 लाख रुपए का चेक लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। वहीं डीएम उनके घर पर पहुंचे, उनको मनाने की कोशिश की, उनको 20 लाख रुपए का चेक देने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने चेक लेने से मना कर दिया। शिव प्रताप सोलंकी मेरे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। शिव, यहाँ पर डीएम पहुंचे हैं, चेक दिया है, लेकिन परिजनों मने क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर जो परिजन थे, परिजनों के लिए जब डीएम और एसपी अपने अमला के साथ चेक देने पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें हमारा बेटा चंदन चाहिए जो देश की खातिर जिसकी मौत हुई है, उनको ये उनका ये कहना है परिजनों का, उसको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। जी चंदन, शिव प्रताप, जैसे हम अब बात की जाए कि चंदन की मृत्यु हुई थी, इस पर हिंसा भी हुई थी, अब क्या कुछ वहां का माहौल है? माहौल तो बाजार का नॉर्मल होने लगा है, लोग घरों से निकलने लगे हैं और दुकानें भी जो आज बंदी है, सोमवार के साप्ताहिक बंदी का समय है, करीब 50% दुकानें कासगंज की खुल गई हैं। जी शिव, जिस तरीके से परिजनों ने मना कर दिया चेक लेने से, और क्या क्या कुछ मांगे हैं इसके अलावा, कोई और उन्होंने मांग की है? सीएम को उन्होंने बुलाने की भी मांग की है कि वो खुद आए, खुद अपने हाथों से चेक दें। उनकी मांग है कि योगी जी आए और अपने हाथ से चेक दें। अभी वार्ता जारी है कि डीएम और कप्तान कासगंज बनाए हुए हैं, व्यापारी जो शहर के व्यापारी हैं, गणमान्य नागरिक हैं, उनके द्वारा भी वार्ता करवाई जा रही है और जी चेक देने की लगातार कोशिशें जारी हैं। हो सकता है कुछ ही देर में वो चेक ले लें, लेकिन उनकी लगातार मांग जारी है कि योगी जी उनके घर पे आए, सांत्वना दें और शहीद का दर्जा दें और एक चंदन चौक की स्थापना कासगंज में की जाए। जी शिव प्रताप, क्या इस मांग को डीएम ने कुछ इसके लिए कोई प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कुछ कहा है, कोई आश्वासन दिया है इस बात को लेकर? डीएम साहब का कहना है कि चेक हमने उनके जो और परिजन है उनके लिए दे दिया है, लेकिन इस तरह का कोई बयान नहीं आया है परिजनों की तरफ से कि उन्होंने चेक को ले लिया है। जी बहुत शुक्रिया शिव प्रताप सोलंकी, आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर 20 लाख रुपए का चेक दिया गया था, लेकिन परिजनों ने चेक लेने से मना कर दिया।